आउटस्टैंडिंग मैच नापोली एंड एसी मिलान के बीच में क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लीग में। हम सब समझ रहे थे कि नापोली इजीली फाइनल में थ्रू हो जाएगा, बट एसी मिलान इतने भी आसान ओपोनेंट नहीं है। एसी मिलान डिड व्हाट दे कैन। हाँ, ऑब्वियसली विक्टर ओसिमेन नहीं था, इंजर्ड था, इसलिए नापोली का अटैक एकदम डिमोटलाइज हो गया था। बट अदर हैंड एसी मिलान प्लेड ए ब्रिलियंट गेम, एंड वैसे भी नेक्स्ट लेवल में एंगीजा किमिंग जेन दोनों सस्पेंडेड है, सो नापोली का टेंशन और बढ़ गया है। पर 1-0 के लीड खूब बहुत ज़्यादा नहीं है, नापोली की होम में है सेकेंड लेग, बट आई थिंक दे कैन टर्न दिस। बट मेरा विश है कि एसी मिलान जाए ताकि हम लोग देख पाए सेमीफाइनल इंटर वर्सेस एसी मिलान, द मिलान डर्बी एट क्वार्ट चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। सेकेंड मैच की क्या ही बात करें, बहुत ही बोरिंग मैच था। ये चेल्सी का साथ जो भी खेलेगा, चेल्सी हर एक मैच को बोरिंग बना ही देती है। आई जस्ट डोंट लाइक द टीम चेल्सी। माद्रिद को और 2-3 गोल मारना चाहिए था। चेल्सी का टीम में कोई जेल नहीं है, नया कोच आया लैम्पर्ड कि वो प्लेयर को मोटिवेट कर सके, लेकिन लैम्पर्ड भी कर ही क्या सकता है अगर प्लेयर खेलना ही नहीं चाहता। तो सिर्फ फर्स्ट 10 मिनट देखा चेल्सी का अटैक, उसके बाद पूरा माद्रिद ही माद्रिद। मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छा नहीं लग रहा कि माद्रिद ने सिर्फ 2 गोल लीड लेके जा रहे हैं स्टैम्फर्ड ब्रिज, और 2-3 मारना चाहिए था। नेक्स्ट लीग में चेल्सी का प्रॉब्लम और बढ़ गया, बेन चिल्वेल को मिल गया है रेड कार्ड एंड कुलीबाली हो गया इंजर्ड। अभी रियल मैच की बात करते हैं, विनी जूनियर का था आउटस्टैंडिंग गैप, उसने पूरा चेल्सी का डिफेंस को नचा दिया था। वो चेल्सी डिफेंस शांत नहीं बैठ पा रहे थे विनी के कारण। क्रिस जेम्स, फुफाना, कुलीबाली, थियागो सिल्वा, बेन चिल्वेल सब होपलेस लग रहे थे विनी रोड्रिगो के सामने। एंड करीम द ड्रीम चैंपियंस लीग एंड रमजान महीने में गोल तो मारेगा ही, सो एक गोल मारा करीम बेंजेमा ने। एंड कार्लो का ब्रिलियंट सब्स्टिट्यूट एसेंसियो ने मारा 2रा गोल। आई होप एसेंसियो स्टे नेक्स्ट सीजन आल्सो एट माद्रिद, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड इज़ ए ग्रेट सुपर सब्स्टिट्यूट फॉर रियल माद्रिद। और डिफेंडिंग में बात करते हैं, मिलेटाओ का बहुत शानदार गेम, कारवाल का शानदार गेम, एंड रूडीगर जब आए सब्स्टिट्यूट में उसका जो लास्ट टैकल था दर्स आउटस्टैंडिंग। एंड कमाविंगा भी लेफ्ट बैक में जाके शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। नेक्स्ट वीक है सेकेंड लेग एट स्टैम्फर्ड ब्रिज। आई थिंक चेल्सी जितना भी शानदार खेल ले पर मैच निकाल नहीं पाएगी, सो सेमीफाइनल मोस्ट लाइकली मैन सिटी वर्सेस रियल माद्रिद एंड इंटर डर्बी। आई जस्ट विश अगर इंटर डर्बी और मैन सिटी और रियल माद्रिद का मैच हुआ तो फाइनल हो एसी मिलान एंड रियल माद्रिद के बीच, सो हम लोग एक हिस्टोरिक विंटेज वाला फाइनल देखेंगे। फॉर सच अमेजिंग कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल्स। थैंक यू। हाला माद्रिद। माद्रिद माद्रिद हाला माद्रिद ये ना दमास हाला माद्रिद। पीस आउट।